कल कुछ एक तरीके से कुछ कंफ्यूजन हो गया है. एक उसका रीजन ये है कि दो तरीके के जोन्स बने हैं, एक कंटेनमेंट जोन है और एक बफर जोन है. जो हमारे दो वार्ड्स हैं कसाकड़ा और धड़ो, वो कंटेनमेंट जोन में है, और जो बाकी छह वार्ड हैं चौगान, हटनाला, जनसाली, चौंतड़ा, सुराड़ा और सपड़ी, ये बफर जोन में है. तो जो एक्चुअली में जिसको सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग दो जो कंटेनमेंट जोन है उसमें है, जिसमें दो मोहल्ले हैं धड़ोग और कसाकड़ा. लेकिन जो बाकी छह मोहल्ले हैं उन्हें बफर जोन में रखा है. बफर जोन में जो आवाजाही है वो नॉर्मल बनी रहती है, लेकिन वहाँ पे हम एक एक्टिव केस फाइंडिंग करवाते हैं जिसमें कि सैम्पलिंग होती है बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे. परंतु ये जो इशू है, ये मैटर इस तरीके से है कि यहाँ पे 16 पॉजिटिव आए हैं धड़ोग में, और अब जब हम बाकी एरिया में सैम्पलिंग कराएंगे तो उसके हिसाब से आगे की सीलिंग होगी. परंतु मेरा लोगों से एक और अनुरोध है कि आज भी जिस प्रकार से मार्केट में आवाजाही काफ़ी है, ठीक है, अब जो है कोरोना ने शहर में दस्तक दी है, तो उस हिसाब से सब लोग चलें. और ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो बाकी जो छः मोहल्ले हैं और वहाँ पर एक्टिव केस फाइंडिंग होती है, तो वहाँ के लोग उस प्रकार से तैयार रहें. तैयार दो तरीके से रहें, पहले तो कि जो उनका अपना मूवमेंट है उसे रोक के रखें और घर से कम बाहर निकलें. साथ ही यदि किसी लेटर स्टेज पे यदि वहाँ से केसेस पॉजिटिव निकलते हैं तो उस तरीके से भी अपनी तैयारी रखें कि वो एरिया भी सील हो सकते हैं. तो हम ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना निकले, लेकिन यदि उस प्रकार से निकलते हैं तो उस तरीके से हम एक्शन लेंगे. जो मोहल्ले सील हो चुके हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके यदि उनको डिपार्टमेंट में कोई इशू आता है तो हमारे ऑफिस के ऑर्डर्स दिखा दें और क्लियरली कह दें कि वो एरिया सील है. साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुकानें जो रहने वाले धड़ोग या कसाकड़ा के हैं, लेकिन उनकी दुकान मेन मार्केट में है. जो लोग हैं कसाकड़ा के रहने वाले या धड़ोग के रहने वाले, वो खुद बाहर नहीं निकल सकते, परंतु यदि उनका कोई वर्कर है जो कि बाहर का है और वो आके दुकान खोले, वो फिर भी खोल सकते हैं. परंतु कोई भी व्यक्ति धड़ोग या कसाकड़ा का बाहर ना निकले. यदि किसी प्रकार का मूवमेंट, जो कि हमारे पास अभी तक रिपोर्ट भी आई है, हम उनके खिलाफ हाथों हाथ FIR दर्ज कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मैटर जो है वो इस बात का है कि एक साथ 16 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है, और इसी में सख्ती से कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी. और अंदर जो धड़ोग मोहल्ले के लोग या कसाकड़ा के अंदर लोग हैं, उनको यदि दूध की, दही और अपने राशन की, और यदि किसी प्रकार की इशू आता है तो वार्ड मेंबर को बताएं. वार्ड मेंबर ने जो हमारी डेजिग्नेटेड शॉप्स हैं उनसे बात कर ली है, वहां तक उन तक सप्लाई पहुंच जाएगी. यदि कोई व्यक्ति खाने को या फिर राशन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो भी अपने काउंसलर को बताए, उनको हमारी जो या तो NGO के थ्रू या हमारे ऑफिस के थ्रू जो राशन है वो उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा. कल तक हमारे पास रिपोर्ट 13 लोगों की आई थी, 13 फैमिलीज की, जो नहीं अफोर्ड कर सकती थी उनके लिए राशन हमने भिजवा दिया है, कुछ समय में पहुंच जाएगा. परंतु यदि और भी कोई लोग हैं तो उनके लिए भी राशन मुहैया कराया जाएगा. वी विल इंश्योर कि कोई लोग भूखा ना रहे. सर, इन मोहल्लों को आपने कहाँ कहाँ से सील किया सर? जैसे यहाँ से एक रास्ता सर बस स्टैंड से ऊपर को भी आता है, वहाँ से सर मूवमेंट रहती है, तो आपने कहाँ कहाँ से सर सील किया है? जी, जो कसाकड़ा मोहल्ला है वो ऊपर एक तो सर्किट हाउस की तरफ से, एक होटल हमारा है पर क्या कहते हैं मार्केट की तरफ से, वहाँ से सील किया है. और नीचे से जहाँ से धड़ोग का मोहल्ला सील था वो सील है, जो बस स्टैंड है उसको छोड़ा हुआ है. बस स्टैंड से जो लोग ऊपर आते हैं उनके लिए हमने दो बसेज अलॉट कर दी गई हैं, जो कि पुराने बस स्टैंड, नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक चलती रहेंगी और मूवमेंट उसके थ्रू लोगों का हो जाएगा, तो आवाजाही भी उसके थ्रू मेंटेन हो जाएगी. और साथ ही जो धड़ोग मोहल्ला है वो भी ऊपर ओल्ड बस स्टैंड से सील्ड है और नीचे की तरफ बारगा से सील्ड है. सर, ये जो दो मोहल्ले आपने धड़ोग और कसाकड़ा सील्ड किए हैं सर, ये कितने दिन के लिए है सर? जी, अभी ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं. जी जी, क्योंकि जो पहले हमारे पॉजिटिव आए उसके बाद एक साथ 16 पॉजिटिव आए, तो अभी हमें वो देखना होगा कि ओवरऑल वहाँ पे स्प्रेड है या नहीं है. यदि स्प्रेड नहीं होता है तो हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, परंतु जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 14 दिन की उसमें समय सीमा है, 14 दिन के लिए वो सील किया जाता है. जी सर, इनकी जो धड़ोग और कसाकड़ा की जो सैंपलिंग है, बस सर सभी कसाकड़ा वासियों और धड़ोग वासियों की, सभी की होगी सर?
जी देखिए, जिस तरीके से हमने स्प्रेड देखा है उस हिसाब से तो काफ़ी एक्सटेंसिव सैंपलिंग यहाँ पे होगी। कल भी यहाँ से 40 सैंपल लिए गए हैं, अब जो है सैंपलिंग बढ़ती चली जाएगी इन दो एरियाज में। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति जरूर हो जिनकी हम सैंपलिंग कर पाए, नहीं तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स के अलावा रैंडम सैंपलिंग इन वाले क्षेत्रों में एक्सटेंसिवली होगी। साथ ही जो हमारे बफर जोन है जिसमें कि हमारे 6 वार्ड्स हैं उसमें भी एक्सटेंसिवली जी। कसाकड़ा में यदि जो व्यक्ति है इस टाइम पे वो कसाकड़ा के अंदर रहे, कसाकड़ा में जिसके मूवमेंट के लिए जो लोगों के पासेस बनेंगे वो इस बात को देखते हुए बनेंगे कि वहाँ से लोगों के वहाँ पे हमारे यहाँ ओवरऑल स्प्रेड कितना है। यदि वहाँ पे स्प्रेड नहीं है तो हम पासेस के विषय में सोचेंगे, और यदि और वो भी तब सोचा जाएगा जबकि वो उस व्यक्ति का सैंपल होके वो निगेटिव आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई एसेंशियल सर्विस हम देखते हैं। बाकी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका हमने मूवमेंट अभी फिर भी अलाउ किया।